जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस सर। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज अबाउट कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम रिस्पांस। एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी लुकिंग एट रिस्पांस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स एंड देन रिस्पांस ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर सिस्टम्स। Okay, जी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी विल बी स्टडी इनिशियली दे आर नोन टू यू एंड इन फैक्ट दैट वुड बी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू बिकॉज इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव सीन एवरीथिंग। सो इन अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम द इनपुट आर एफ टी एंड आउटपुट वाई एफ टी आर रिलेटेड बाई अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी टी प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू बी नॉट आर एंड दीज ए नॉट एंड बी नॉट आर द कॉन्स्टेंट्स। So the corresponding transfer function is TFS will be equal to B naught over S plus A naught. Now anyone sitting here who is not sure कि किस तरह से हम इस differential equation से हमने ये transfer function obtain किया है? Anyone? जल्दी जल्दी जवाब देते जाएं so that ओके आई होप के एवरी वन नोज इट एंड देन वी मूव फॉरवर्ड एंड द जीरो स्टेट रिस्पॉन्स एंड जीरो इनपुट रिस्पॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड एज यू विल बी डिफरेंशिएटिंग इट एंड सॉरी यू विल बी लैपलास ट्रांसफॉर्मिंग दिस इक्वेशन एंड यू विल बी रिस्टोरिंग द इनिशियल कंडीशन एज वेल। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म इज एस वाई एफ एस माइनस वाई जीरो प्लस इस टर्म का लैपलास ट्रांसफॉर्म है ए नॉट वाई एफ एस और इस टर्म का एस ट्रांसफॉर्म है बी नॉट आर एफ एस एंड यू कैन सेपरेट द जीरो स्टेट रिस्पॉन्स एंड जीरो इनपुट रिस्पॉन्स इन दिस वे। नाउ मेमन, फॉर स्टेबिलिटी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? यस सर। स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है सर? वो दोनों सर एक्सटर्नल इंटरनल स्टेबिलिटी है सर। वो जो पोल्स आ रहे हैं वो सर नेगेटिव हाफ एस प्लेन में लाए गए हैं। ग्रेट। फॉर स्टेबिलिटी द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आई वांटेड यू टू यूज दिस वर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। कहां पे है कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल? दिस वन। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है। तो द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल अगर आपके लेफ्ट हाफ प्लेन में है तो इस बात का मतलब ये है कि यू आर फोर्सिंग ऑल द नेचुरल रिस्पांस टर्म्स टू डिके टू जीरो एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सो इफ ए नॉट इज ग्रेटर देन जीरो द सिस्टम इज स्टेबल। और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स आपने देख लिया है। नाउ द जीरो स्टेट कंपोनेंट जो है आपका विच इज शोन हियर दैट इज बिकॉज ऑफ जी दैट इज बिकॉज ऑफ मेमन। यस सर। द जीरो स्टेट कंपोनेंट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट सर? इनिशियल कंडीशन जीरो है सर हमारी तो फिर तो जो इट इज बिकॉज ऑफ द इनपुट। इट इज बिकॉज ऑफ द इनपुट आरएफएस एंड द जीरो इनपुट कंपोनेंट इज द रिजल्ट ऑफ जीरो इनपुट है और जो आपके आरएस है वो जीरो है एंड ओनली नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस आर देयर। ठीक है। और इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द स्टेप इनपुट लेट्स मूव। सो स्टेप इनपुट अगर है मेरे पास आरएफटी है दैट इज इक्वल टू ए यू ऑफ टी वेयर ए इज कांस्टेंट एज वेल देन आरएफएस द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आरएफटी विल बी इक्वल टू ए ओवर एस बिकॉज़ द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी इज 1 ओवर एस। देन व्हाट विल हैपन टू द वाईएफएस? वाईएफएस इज in fact in this form b naught a over s into s plus a naught. So that was your transfer function. Transfer function ko liya humne. This was your transfer function tfs and yfs is equal to what? Yfs is equal to tfs rfs. As a result of that we have obtained this thing. This is my yfs and
this is giving me the natural and the forced response. Now the time solution is what? From here, it is just the u of t, b naught a over a naught, that's the constant term, plus minus b naught a over a naught, that's the constant term, but from this s plus a naught, se aapke paas kya term aa rahi hai? E raised to power minus a naught t, and we know that a naught is greater than zero for a stable system. So in that case, mehman kya expect kar rahe hain? Kis tarah ka response hona chahiye ye? टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होना चाहिए? आवाज आ रही है मेमन? यस सर, आवाज आ रही है. ओके, सपोज अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात से कि बी नॉट ए ओवर ए नॉट को मैं कह देता हूं, सपोज दिस इज इक्वल टू टू, सो द रिस्पॉन्स इज टू माइनस टू ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी, सपोज ए नॉट इज ग्रेटर देन जीरो एज वेल, सो एन टू यू टी. जी चलें, आप शायद आपके लिए आसान हो जाए. टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये रिस्पॉन्स क्या है? जीरो हो जाएगा सर. जीरो हो जाएगा. और टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या है? टू टू टी हो जाएगा. टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आप इसे जीरो क्यों कह रहे हैं? सर एक्सपोनेंशियल वन हो जाएगा, फिर टू माइनस टू जीरो हो जाएगा. ठीक है, ग्रेट. और फिर उसके बाद टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे उसमें सर t की जगह इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी हो जाएगा, तो वो नीचे जाके जीरो हो जाएगा, तो 2 ut आ जाएगा. गुड, ग्रेट. सो दैट्स द रिस्पांस. सपोज दिस इज माय 2, दिस इज माइनस 2. ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये इनके साथ एसोसिएटेड है. एक्चुअल रिस्पांस जो है वो ये आपके पास सॉलिड लाइन है. सो 2 लाइन जो है वो ये चल रही है. माइनस टू लाइन जो है, माइनस टू ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी जो है, सपोज ए नॉट इज इक्वल टू थ्री है, सो दैट्स द डिके जो कि आपको मिल रहा है. माइनस से आप टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आप जीरो लाइन को टच कर रहे हैं, और जब इंफिनिटी पे आप जा रहे हैं तो जो टोटल रिस्पॉन्स है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू माइनस टू एज अवर फ्रेंड सेड, and you are approaching to this steady state response. Agreed? Yes sir. Okay, so isme force response kaun sa tha? Kya ho gaya, so rahe hain kya, chakkar kya hai? नंगियाल? यस सर. जी फोर्स रिस्पांस कौन सा है सर? ये टाइम टी वाले एक्सप्रेशन में सर, इसमें बता दें या इसमें बता दें, एक ही बात है सर. पहली टर्म सर बिना एड डिवाइड बाय ए नॉट. मेमन? यस सर. बेटा जरा तवज्जो के साथ बैठे ना, फिर यस सर करके सवाल दोबारा दोहराना पड़ता है. कहाँ पे चले जाते हैं? पहला फैक्टर है सर, वो फोर्स कंपोनेंट, बाकी नेचुरल कंपोनेंट हो जाएगा. ओके, व्हिच वन इज फोर्स कंपोनेंट? सर ये फर्स्ट वाला जो है, जो फ्रैक्शन. क्यों है ये, किस वजह से? इनपुट आ रहे अपॉन डिनोमिनेटर में ऐसा आ रहा है सर, वो इनपुट. और इसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास? इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ रहा है सर नीचे, और वो दूसरा इनिशियल कंडीशंस आ रही है. ग्रेट, सो द नेचुरल कंपोनेंट जो है उसके अंदर हमेशा आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल जो है वो मिल रहा है, और यहीं से आप पहचान रहे हैं कि दैट इज योर नेचुरल रिस्पांस. सो यू हैव सीन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए आपके पास नेचुरल रिस्पांस जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है. ओके, सपोज हमारे पास
अगर इनिशियल कंडीशन जीरो ना हो तब क्या होता है? तो इस केस में ये वाली टर्म भी आ जाएगी, पहले इनिशियल कंडीशंस को हमने जीरो सपोज किया है, अब हम इनिशियल कंडीशंस को अगर अपना जो हमारा रिस्पांस था उसमें इसको काउंट करते हैं, तो इन दैट केस आपके पास जो रिस्पांस है जीरो स्टेट कंपोनेंट का, या इस केस में फोर्स्ड रिस्पांस, या आपके पास जो नेचुरल रिस्पांस है उसके अंदर ये वाली टर्म जो है वो इंक्लूड हो रही है. सो इस बात का क्या मतलब हुआ? द ओनली थिंग इज कि द ओनली डिफरेंस वी आर गेटिंग कि अब इस इंट्रोडक्शन से जीरो इनिशियल कंडीशंस नॉन जीरो होने से क्या फर्क पड़ रहा है, आपका जो एम्पलीट्यूड है एक्सपोनेंशियल टर्म का वो चेंज हो रहा है, या यूं समझ लीजिए कि नेचुरल रिस्पांस का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, सो फोर्स रिस्पांस देखिए उसी तरह से आपको नजर आ रहा है, बट द ओनली थिंग वी आर गेटिंग कि वाई जीरो जो है वो आपको इनिशियल कंडीशन आपको नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ नजर आ रही है, सो दैट्स वाई ये आपके पास अब नेचुरल रिस्पॉन्स आ गया. द ओनली डिफरेंस इज कि पहले आपके पास माइनस बी नॉट ए ओवर ए नॉट था, अब आपके पास वाई जीरो माइनस बी नॉट ए ओवर ए नॉट हो गया. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द ओनली डिफरेंस इज कि ये फर्क पड़ा है आपका कि पहले आप जीरो से स्टार्ट करके चल रहे थे, अब आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब आप वाई जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस जब आप इनिशियल कंडीशन आपकी नॉन जीरो होती है. एग्रीड? Yes, sir. इस बात को ज़हन में रखिए कि जीरो स्टेट कंपोनेंट जो है आपका वो नेचुरल रिस्पांस को फीड कर रहा है, और जीरो इनपुट कंपोनेंट जो है वो ओनली नेचुरल रिस्पांस को फीड कर रहा है. सो इन जनरल बोथ जीरो इनपुट और नेचुरल रिस्पांस दोनों है वो डाई डाउन करते हैं टाइम के साथ. सो अगर आप जीरो इनपुट रिस्पॉन्स को देखें या नेचुरल रिस्पॉन्स को देखें, वो दोनों जो है वो डाई डाउन कर रहे होते हैं. सो राइट नाउ वी आर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्स एंड द नेचुरल रिस्पॉन्स. सो इस केस में अगर आप देखें तो नेचुरल रिस्पॉन्स आपका ये है और फोर्स रिस्पॉन्स आपका ये था, बी नॉट ए ओवर ए नॉट, दैट वॉज दैट काइंड ऑफ थिंग. इसकी तरफ, इस फोर्स रिस्पॉन्स की तरफ ये स्टेडी स्टेट जनरेट करा रहा है ये जो आपकी इनपुट है. ठीक है, सो उसके साथ जो है ना वो ओके जी. Now there is one more thing, that is the time constant of a stable first order system. Time constant क्या है? It's the time जिसके साथ decay कर रहे हैं, जिस rate पे आप decay कर रहे हैं, that is called your tau कह लें इसको, या time constant कह लें. So the rate at which आपकी जो term है k exponential minus a naught t, so ये जो term है आपकी, so this is your k and e raised to power minus a naught t. So, जिस रेट से ये आपकी कर्व जो है ये डिके कर रही है, that is called tau. So, इस केस में tau क्या है? That is 1 over a naught. और अगर आप first order system का tau जो है वो find out करना चाह रहे हैं और you want to show explicitly the time constant, तो आप अपने transfer function को इस तरह से लिख सकते हैं. Transfer function is equal to something in the numerator divided by the characteristic polynomial. अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में लेके जाएं, प्लस वन की टर्म में, एस प्लस वन की टर्म में. सो इन दैट केस देयर मस्ट बी सम कोएफिशिएंट विद एस, क्योंकि आपने डिवाइड किया है ए नॉट से और आपने इधर भी डिवाइड किया है ए नॉट से. सो इन दैट केस वन ओवर ए नॉट जो है दैट इज एक्टिंग एज यूर टॉ. ठीक, सो जब भी आपके पास कोई ट्रांसफर फंक्शन हो, यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म एंड इमीडिएटली फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन यू कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द सिचुएशन जहां से आपको टॉ जो है वो डायरेक्टली पता चल जाए. एंड वन मोर थिंग कि इनफैक्ट जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो डायरेक्टली जो भी आपका पोल है, इनफैक्ट वन ओवर दैट पोल जो है वो आपका डिकेइंग कॉन्स्टेंट होगा, द रेट एट विच द टर्म इज डिकेइंग. एनी क्वेश्चंस? चले जी, अब जरा एक एग्जाम्पल करते हैं. सपोज मेरे पास ये ड्रिल प्रॉब्लम है आपका, टी एफ एस इज इक्वल टू 3 ओवर एस प्लस 3 एंड आर एफ टी इज इक्वल टू 6 यू ऑफ टी एंड वाई जीरो जो है इनिशियल कंडीशन जो है वो नॉन जीरो है, विच इज इक्वल टू 10. So we are interested in
नोइंग के का रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह का होगा. ओके सो हाउ शुड वी स्टार्ट. वी विल बी स्टार्टिंग विद वी नो दैट वाई एफ एस. आज मेरे पास बोर्ड जो है वो दूसरा है तो इससे सही तरीके से मुझसे लिखा नहीं जा रहा. टी एफ एस इंटू आर एफ एस ऐसे ही है जी. कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ. नो सर. सोच लो. सर प्लस पे जाके वाई जीरो वाला ग्रेट प्लस में जाके वाई डिवाइडेड बाय एस प्लस थ्री ये वाली जो टर्म है जो कि जीरो इनपुट रिस्पांस है मैं उसको भी लिखूंगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस इज इक्वल टू 18 ओवर एस एस प्लस थ्री प्लस 10 ओवर एस प्लस थ्री. शायद मैं इसको इससे करूँ तो शायद बेहतर हो जाए. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपने फाइंड आउट करना है. सो 18 ओवर 18 प्लस 10 एस डिवाइडेड बाय एस एस प्लस थ्री. Because I am interested in natural and forced response. So as a result of that, that would be A1 over S plus A2 कह दें या B कह दें एक ही बात है. चलो A2 कह देते हैं. A2 over S plus 3 and you will be getting the values for A1 is equal to 6 and A2 will be equal to 4. So the final response y of s jo hai aapke paas that's equal to 6 over s plus 4 over s plus 3 and response is y of t is equal to 6 plus e raised to power sorry 4 e raised to power minus 3t. And if you are interested in writing u of t you may write it. Ji kis tarah ka response hona chahiye ye. अगर मैं रिस्पॉन्स प्लॉट करना चाहता हूं. जी जनाब दिस इज माय टी दिस इज माय वाई एफ टी. जी जनाब जीरो पे क्या वैल्यू है. सिक्स सर. जीरो पे वैल्यू है सिक्स. ग्रेट. सर टेन नहीं होगी. यस सर 10 होगी. यस सर सॉरी 10 होगी सर. चलें जाग रहे हैं लोग. ग्रेट. जो जीरो पे होगी 10 और इनफिनिटी पे सिक्स होगी शायद. शायद का क्या मतलब है. मेरा ख्याल है इतनी तो सिक्स ही होगी सर. कोई इतने कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी इसमें कि शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता. क्या ख्याल है. यस सर. ठीक है ना. यस सर. ओके तो दिस इज द सिचुएशन. नेचुरल रिस्पांस क्या है आपका. 4 ई रेज टू पावर माइनस 3t. 6 जो है दैट इज योर फोर्स्ड रिस्पांस और आप इसी फोर्स्ड रिस्पांस की तरफ स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है आपकी यही है आप इसी की तरफ मूव करेंगे. एंड The rate at which this is decaying that is called tau. और tau जो है इस वक्त क्या है बेटा. So 1/3. Tau जो है आप कह सकते हैं कि this is 1/3. Great. और अगर मैं कहूँ कि tau को find out करना है किस तरह से तो in fact आपके पास जो TFS था TFS was equal to 3 over s plus 3 था. तो इनफैक्ट आप अगर डिवाइड कर दें ऊपर तो ये क्या हो जाएगा 1/1/3 एस प्लस 1. सो फाइनली आपके पास ये जो टर्म नजर आ रही है दैट इज योर टॉ. एग्रीड. एनी कंफ्यूजंस एनी क्वेश्चंस. सो इन इस केस में अगर मैं पोल जीरो प्लॉट की तरफ जाना चाहूं तो सिस्टम का पोल जीरो प्लॉट क्या होगा.
क्या होना चाहिए? जी जनाब बेटा जाग जाए जल्दी जल्दी शाबाश। अरे एक पोल से इसका थ्री पे माइनस थ्री पे होगा, एक जीरो पे होगा। नहीं मेरा बेटा मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब आप जो बात कर रहे हैं ना आप रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, मैं सिस्टम अगर टीएफएस के पोल्स की बात कर रहा हूँ तो टीएफएस के जो पोल्स हैं वो आपके पास माइनस थ्री पे पड़े हुए। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक ही पोल है विच इज एट टाइम एट एस इज इक्वल टू माइनस थ्री। एग्रीड? ओके ग्रेट। फाइंड एंड स्केच द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विद फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन इनपुट एंड इनिशियल कंडीशंस। सो एस प्लस वन ओवर एस प्लस टेन। जी सिस्टम है आपके पास, अच्छा आर एफ टी जो है वो गिवन है थ्री यू एफ टी कोसाइन टेन टी। क्या होगा आर एफ एस? इनफैक्ट थ्री तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस हंड्रेड। गुड मेमन। और इसमें आपके पास रेडियन फ्रीक्वेंसी क्या है, डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू टेन है सर इसमें। गुड, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू टेन रेडियंस पर सेकेंड। ओके ग्रेट। सो वाई एफ एस की तरफ अगर मैं जाना चाहूँ तो वाई एफ एस इज इक्वल टू वॉट? वाई एफ एस इज इक्वल टू टी एफ एस। मैं बार बार ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ, इस बात का मतलब ये है कि देर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट सो दैट के एवरी थिंग शुड बिकम एज अ पाम ऑफ योर हेड हैंड सो दैट के आपको कोई भी टर्म कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन जो है पूरी क्लास के लिए वो ना रह जाए। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू बी इन्वॉल्व। और ये बार बार ये चीज़ें लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि कुछ लोगों के लिए ये बड़ी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन होगी बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट इन द चैप्टर नंबर वन एज वेल। सो जिन लोगों को अगर नहीं है तो वो इससे काइंड ऑफ रिवीजन एज वेल। सो एस प्लस टेन तो दिस पोर्शन जो है बिकॉज जीरो इनपुट जो है आपकी इनिशियल कंडीशन जो है वो जीरो हैं तो दिस टर्म विल बी जीरो। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी आर ओनली लेफ्ट विद अ जीरो स्टेट कंपोनेंट। अच्छा इस केस में नेचुरल रिस्पॉन्स होगा सर वो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल कंडीशन जीरो है ना सर, तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। नो 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 नो, इसलिए ये सवाल पूछा है बेटा। दिस इज व्हाट दिस इज जीरो इनपुट कंपोनेंट, दिस इज व्हाट दिस इज जीरो स्टेट कंपोनेंट। अच्छा इसका दूसरा जो अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी है दैट इज व्हाट, वो है forced plus natural response कह लें या free response कह लें। zero state component भी इधर contribute कर रहा है और zero input भी contribute करता है जबकि zero state जो है वो इधर contribute कर रहा है। so इस बात का मतलब ये है कि अगर आपका zero input component zero है तो सवाल मेरा ये था कि क्या नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। अब बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा सर होगा, उसमें फैक्टर निकलेगा सर। ग्रेट, सो द कंपोनेंट द कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द जीरो स्टेट रिस्पॉन्स विल बी देयर इन द नेचुरल रिस्पॉन्स बट एज जीरो इनपुट कंपोनेंट इज जीरो बिकॉज ऑफ द जीरो इनिशियल कंडीशंस सो दैट्स व्हाई जीरो इनपुट कंपोनेंट एट जीरो एंड द कंट्रीब्यूशन कमिंग into the natural response from zero input component will be zero. ठीक हो गई बात। अच्छा जी आगे चलते हैं और इस केस में हम ये response find out करने की अगर हम कोशिश करें so that's equal to अब आपके पास y of s जो है that's equal to 3s over s plus 10 and s square plus 100. Okay, so that would be 3s divided by s plus 10 और इसको हम कह सकते हैं कि रूट्स कहाँ पे होंगे?
अगर मैं इसका माइनस जे टेन माइनस क्या नाम है बेटा आपका नंग्याल सर प्लस नंग्याल नंग्याल भाई असाइनमेंट आपने लेट क्यों जमा कराई थी सर वो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था तो मैंने फिर वो जिस तरह की उस तरह सॉल्व सेंड कर दिया नहीं नहीं मेरा बेटा आप ये तो 4-5 दिन पुरानी असाइनमेंट थी आप सॉल्व पहले भी कर सकते थे अगर नहीं भी हो सकता था तो आप कर सकते थे यानी इतना टाइम तो था आपके पास इस बात करने का मतलब आपको एम्बेरस करना नहीं है इस बात का मतलब देर आर 30 सबमिशंस बिफोर द डेडलाइन 5-6 सबमिशंस अभी तक हुई हैं जो कि आफ्टर द डेडलाइंस हैं और 10-12 लोग हैं जिन्होंने जहमत गवारा ही नहीं की असाइनमेंट सबमिट कराने की एनीवेज सो नंग्याल बेटा आप क्या बता रहे थे रूट्स कहां पे होंगे सर प्लस माइनस 10 पे प्लस माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 100 उसके ना उसके प्लस माइनस जे एक्सिस पे होगा जे ओमेगा एक्सिस This is G omega axis, this is sigma, this is S plane. Okay. So, आपने कहा कि एक पोल जो है वो 10J पे रखा हुआ है दूसरा पोल जो है वो माइनस 10J पे रखा हुआ है ग्रेट इज देर एनी अदर थिंग और सर बाय द वे ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स की बात मैं नहीं कर रहा मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ एक्चुअल जो सिस्टम का पोल है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है ये माइनस 10 पे पड़ा हुआ है जी इस वक्त जो है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि रूट्स के कॉन्टेक्स्ट में के कहां पे जाएंगे तो सिस्टम के पोल्स जो है वो आपका माइनस 10 पे ही पड़ा हुआ है ओके सो अगर हम इसको इसके पार्ट्स देखें तो एस प्लस 10J एंड एस माइनस 10J ठीक है जी एंड यू कैन हैव द पार्शियल फ्रैक्शन सो इस केस में हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन जो करते हैं दैट इज के वन ओवर S plus 10 और अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्प्लिटिंग इट इनटू जो आपका कोऑर्डिनेट्स हैं K1 K2s हैं इनको क्या कहना चाहिए दीज आर इन फैक्ट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर सो S plus अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो सो इन दैट केस S plus 10J plus K2 कॉन्जुगेट आप अपेंडिक्स बी में इस तरह की एग्जाम्पल्स जो है वो देख सकते हैं अपनी बुक की एस माइनस 10J एंड व्हेन वी सॉल्व इट K1 इज इक्वल टू माइनस 3/20 एंड K2 इज इक्वल टू माइनस 30J डिवाइडेड बाय माइनस 10J प्लस 10 ये मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको जो चीज़ें मिल रही हैं एंड इनटू माइनस 20J एंड इनफैक्ट जब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.107 एंड 45 डे क्यों कर रहे हैं हम ऐसा बिकॉज वी वांट टू यूज दिस आइडेंटिटी ए ई रेज टू पावर माइनस 80 कोसाइन बीटी प्लस थीटा एंड द लैपलास वर्जन ऑफ दैट इज ए ओवर टू ई रेज टू पावर जे थीटा डिवाइडेड बाय एस प्लस ए माइनस जे बी प्लस ए ओवर टू e raised to power minus j theta divided by s plus a plus j. Okay. So in that case, अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो polynomial हमारे पास हमने find out किया that is y of s is equal to minus 3/20 s plus 10 अरे यार ओके प्लस 0.107 ई रेज टू पावर माइनस जे 45 बिकॉज द एंगल वाज 45 एस प्लस 10J एंड देन प्लस 0.107
e raised to power j 45 divided by s minus 10 j. जी जनाब, अब आपके पास ये टर्म्स हैं. मेमन जरा मुझे बताएं आप किस तरह से हम इसको y of t लिखेंगे. टर्म्स मौजूद हैं, y of s मौजूद है, एंड आई हैव टू राइट नाउ y of t. जी गाइड करिए मुझे सर. माइनस 3 अपॉन 20. ग्रेट, माइनस 3 अपॉन 20 e पावर माइनस 10 t. गुड सर. इसमें सर 0.107. अच्छा, ये 0.107 जो है ना, एक्चुअली अगर आप इसको कंपेयर करें ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आपको कन्वर्ट करना है इसको a में, तो इस बात का मतलब है आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. सो दैट वुड बी, मैं इधर जा रहा हूँ, इस साइड पे जा रहा हूँ, तो दैट वुड बी 0.2 e raised to power -45 t. बेटा क्या कर रहे हो, वो तो j वाली टर्म है, वो तो एंगल है, ये वाला ये थीटा है, 45 तो थीटा है, e क्या चीज़ है? -10 t हो जाएगा. e क्या चीज़ है सर? ए सर -10 नहीं हो जाएगा? किस तरह से ओपन किया है हमने, कहा s प्लस a प्लस jb या प्लस कर दो इधर, इधर इस साइड पे प्लस कर दो, और s प्लस a माइनस jb. तो अब a की वैल्यू क्या आ रही है? इनफैक्ट अगर आप गौर से देखें तो ये सिग्मा जो है ना, ये इनफैक्ट a ही है. ठीक है, सिग्मा की वैल्यू क्या है इस वक्त इन केसेस में? सर जीरो. जीरो है सर. ग्रेट, सो इस बात का मतलब क्या हुआ, e रेज टू पावर a क्या है? जीरो. सो e रेज टू पावर जीरो इज व्हाट? वन. ठीक है, e रेज टू पावर जीरो t इनटू कोसाइन. b की वैल्यू क्या है? सर बी टेन है. सो इस बात का मतलब हुआ कोसाइन 10 टी प्लस, इनफैक्ट थीटा इज इक्वल टू माइनस था, तो माइनस 45 डिग्री. सो दैट्स योर रिस्पांस. नाउ एक छोटी सी असाइनमेंट इसको देख लें, इसको कर लें कि आप सब लोग जो है ना मैटलैब पे इसको देखें कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये रिस्पांस जो है आपका, ये आपके पास यहाँ से इस टर्म से आपके पास कोसाइन टर्म से आपके पास ऑसिलेशंस आ रही हैं बिकॉज ऑफ द इनपुट. ऑफ कोर्स रिस्पांस की ऑसिलेशंस नहीं है, ये जो एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन है वहाँ से आपको ऑसिलेशंस नहीं मिल रही. दिस आर द ऑसिलेशंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कमिंग फ्रॉम योर इनपुट, और ये आपके पास रिस्पॉन्स जो है डिकेइंग जो है वो आपको नजर आ रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग. अच्छा, बाय द वे, अगर पोल जितना ज्यादा दूर होता चला जाता है, पोल जितना ज्यादा इस जी ओमेगा एक्सिस से दूर जाता जा रहा है, सो दैट इज द टर्म इन फैक्ट व्हिच इज रिस्पांसिबल ऑफ द डिके ऑफ द रिस्पांस. सो पोल जितना ज्यादा दूर होता चला जाएगा जी ओमेगा एक्सिस से, उतना ही आपका टॉ जो है इनफैक्ट वो, क्योंकि 1/a0 है, तो जितना ज्यादा पोल दूर होता चला जा रहा है ये वाली टर्म जो है उतनी ज्यादा बड़ी होती चली जा रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट छोटी होती चली जा रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका डिके जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है. ये वाला प्रॉब्लम जो है ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसको खुद से कर लीजिएगा. अच्छा जी, वैसे ये कोई मुश्किल इतनी खास नहीं है, बट यू कैन डू इट. अच्छा जी, फाइंड द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम. अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? जी मेमन, क्या करना चाहिए?
सर इसको सर पहले पार्शियल फ्रैक्शन करके सर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल पहले नीचे बनाए थे सर मैं क्या बेटा देख तो लो पूछ क्या रहे हैं टाइम कांस्टेंट सर रिस्पांस निकाले पहले अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अगर आपको एक्सप्लिसिटली तो इन दैट केस आप इसको अपने ट्रांसफर फंक्शन को अगर इस फॉर्म में ले जाते हैं तो इस बात का मतलब है द टर्म जो कि एस के साथ है दैट वुड बी योर टॉ ठीक है सो भूल जाएं व्हाट इज इन द न्यूमरेटर सो क्या करेंगे आप टी एफ एस को अगर मैं ये कहूं कि 4s माइनस 1 और इधर मैं करूं अगर 3s डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 और उधर भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेरा टॉ क्या हो जाएगा एग्रीड यस सर ओके अब इस केस में देखिए अगर टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो तो आई डोंट वांट टू सॉल्व इट लेकिन आप डिस्कस कर लेते हैं क्या करेंगे इस केस में अगर मुझे टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो तो सर पहले से ट्रांसफर फंक्शन अगर बना लें फिर उसी तरह जैसे हमने लास्ट ग्रेट इस बात का मतलब यह है कि पहले आप इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे आप एस डोमेन में चले जाएंगे एस डोमेन से इसका मतलब है आपने टी एफ एस फाइंड आउट करना है टी एफ एस शुड बी ऑफ कोर्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल जो भी आपका है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल जो है उसको आप क्योंकि इस फॉर्म में जब ले आएंगे 1 ओवर ए नॉट एस प्लस 1 की फॉर्म में तो इन दैट केस दिस वुड बी योर टाइम कॉन्स्टेंट एग्रीड Yes, sir. Okay. इस केस में क्या करेंगे इसमें से ट्रांसफर फंक्शन पहले निकाल लें इस केस में भी आपको पहले ट्रांसफर फंक्शन ही फाइंड आउट करना पड़ेगा यू नो दैट आपके पास एक क्लोज लूप सिस्टम है दैट वाज योर सिस्टम और ये फिर आपके पास आपने फीडबैक दी है फीडबैक में आपके पास जो गेन है दैट इज 5 सो इस केस में अगर मैं इसे कह दूं दिस इज जीएफएस नाउ दैट यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट तो प्रोबेबली आपने यस कंप्लीट किया हुआ होगा सो वाईएफएस ओवर आरएफएस और टीएफएस विल बी इक्वल टू व्हाट टीएफएस विल बी इक्वल टू जीएफएस प्लस 1 ओवर जीएफएस एच एफ एस दैट्स द फीडबैक वाला जो आपकी प्रॉपर्टी थी कि हाउ टू रिमूव द फीडबैक कंपोनेंट तो वहां से आपके पास ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट वंस यू हैव द ट्रांसफर फंक्शन देन ट्रांसफर फंक्शन कैन बी प्लेड विद एंड टू गेट दिस टाइप ऑफ थिंग और आपके पास टॉ जो है वो आपको मिल जाएगा नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स No, it's a serious thing. ठीक है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सो आपने चलें देख लिया अब जरा ये हम देखते हैं अच्छा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में क्या होगा सेकेंड डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए सो द इनपुट आर एफ टी एंड आउटपुट वाई एफ टी आर रिलेटेड बाय आवर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ए वन डी वाई बाई डी टी प्लस ए नॉट वाई is equal to b1 dr by dt plus b0 r and b0 b1 a0 a1 these are all the constants aur agar main yahan se transfer function find out karna chahu to that would be my transfer function any question any confusions from moving from here to here isha yes sir clear hai yes sir okay कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आपके पास ये रखा हुआ है दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ओके एंड दैट्स योर न्यूमरेटर एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जीरो स्टेट एंड जीरो इनपुट रेस्पॉन्स यू विल बी गेटिंग दिस थिंग वाई एफ एस विल बी इक्वल टू दिस टी एफ एस कंपोनेंट multiplied by RFS, that is your zero state component, and then the component coming from the initial condition
The numerator will be coming from the initial condition and divided by the characteristic polynomial. We have been talking about this so many times. So zero state input or zero input component you have aapko mil gaya. Theek hai? And we know that for stability, all the roots of the characteristic polynomial must be in the left half plane to force all the natural response terms to decay to zero. Therefore, in characteristic polynomial, aapko jo A1 or A0 nazar aa rahe hain, they must be greater than zero for stability. Is it the true statement that A1 and A0 must be greater than zero? These are not the poles. Remember, these are not the poles. These are the coefficient of the characteristic polynomial. But in order to have the poles, jo poles hain aapke, wo suppose S1 or S2 hain, ya S1 or S0 hain, in order to have S1 and S0 greater than zero, you must have A0 and A0 greater than zero, so that ke aapke poles jo hain, wo left half plane mein ho. Theek hai baat? Yes, no to karo. Okay, so characteristic polynomial of the second order system, as I was talking, that's the quadratic equation, and you can write in roots ki form agar hum likhenge to S minus S1 and S minus S2, these are the poles in fact, or the roots of this system, of the equation S1 and S2, and in order to have this S1 and S2 positive, we were saying that A1 and A0 must be positive. And how you are calculating these roots? Minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2. Theek hai? The quadratic formula jo hai aapka, aap uske through jo hai ye find out kar rahe hain. Agreed? Yes, okay, great. Challenge. Ab ek nayi terminology ki taraf ja rahe hain. अगर तो आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स जो हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, क्या मतलब हुआ रियल और डिस्टिंक्ट का मेमन? सर वो उनमें नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा और सर यूनिक होंगे सारे, और यूनिक होंगे. सपोज अगर 2 और 3 हैं तो ये डिस्टिंक्ट हैं, 2 और 5 हैं तो डिस्टिंक्ट हैं, 1 और 7 हैं तो डिस्टिंक्ट हैं और रियल भी हैं. ठीक. सो अगर ये सिचुएशन है तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो सिस्टम रिस्पॉन्स है उसको हम कहते हैं ओवरडैम्प्ड सिस्टम, ओवरडैम्प्ड रिस्पॉन्स. चलें देखते हैं. TFS इज इक्वल टू 1/S² + 3S + 2. पोल जीरो प्लॉट अगर मैं बनाना चाहूं तो किस तरह की होगी पोल जीरो प्लॉट? जी, पोल कहाँ पे हैं? सर रियल लाइन में. दिस इज S+1, S+2. सो द पोल्स आर लोकेटेड एट S इज इक्वल टू -1 and -2. सो व्हेन एवर द पोल्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वी विल बी सीइंग द रिस्पॉन्स, बट वी आर कॉइनिंग अ टर्म of overdamped systems. Okay, so step response aapne kaha humne lena hai, to RFS is equal to 1/S. So as a result of that, you have done the partial fraction, and as a result of that, you have got these partial fraction terms 1/2 - 1 or 1/2. Aur agar hum yahan se inverse Laplace transform le to aapke paas ye term aa. Agreed? Isha, ye bataye ki isme natural response kaun sa hai? Sir, the one with the characteristic polynomial. This portion. Yes, sir. And this one is your forced response because of the input. 1/S was your input, तो आपको वो forced response मिल रहा है. ठीक है, चल. अब हम कहते हैं कि हम देखते हैं कि इसका response किस तरह का होना चाहिए. So at अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स, इट इज सिमिलर टू दैट. सो किस तरह की चीज है? नेचुरली स्टेडी स्टेट कंपोनेंट क्या है जिस पे ये जाके टच करेगा एट टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी? वन बाय टू सर.
ओके लेट्स सी, ये देखिए ये आपके पास डॉटेड जो है ये आपका स्टेडी स्टेट कंपोनेंट है, और ये आपका e raise to power minus t वाला कंपोनेंट है, ये 1 over t e raise to power minus t वाला कंपोनेंट है, और ये जो सॉलिड लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज द एक्चुअल रिस्पांस। सो 1 over t को अप्रोच कर रही है और 1 over 2 माइनस 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे ये वाला रिस्पॉन्स जो है ये क्या है माइनस 1 पे है, दिस इज माइनस 1 0 पे, ये कहाँ पे है, ये 1 over 2 पे है, सो दिस इज 1 over 2, 1 over 2 प्लस 1 over 2 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 0, सो 0 पे ये रिस्पॉन्स है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और अगर हम इंफिनिटी पे देखें तो दैट वुड बी अप्रोचिंग टू टाइम t इज इक्वल टू 1 over 2, बिकॉज बोथ ऑफ दीज टर्म्स दिस टर्म विल बी 0 एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, सो दिस इज एन overdamped response, ठीक। क्या हो जाए अगर initial condition zero ना हो तो क्या होगा, any idea? थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, सर response हमारा scaled हो जाएगा थोड़ी सी, उसके अंदर जो आपका component है नेचुरल रिस्पॉन्स कंपोनेंट है उसके अंदर जो उसका एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। सो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन के केस में एम्पलीट्यूड ऑफ द कर्व्स ऑफ द टू एक्सपोनेंशियल्स जो है आपको e रेज टू पावर माइनस टी और इसका जो एडिशन है e रेज टू पावर 1 ओवर 2 e रेज टू पावर माइनस 2 टी के साथ वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नॉन जीरो इनपुट रिस्पॉन्स जो है ओनली इफेक्ट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द नेचुरल रिस्पॉन्स, एग्रीड जी। ओवरडैम्प्ड केस किस वक्त होगा, जब आपके पास पोल्स जो हैं या रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो इन दैट केस आपका जो रिस्पांस है उसको हम कहते हैं ओवरडैम्प्ड। ओके नाउ लेट्स मूव टू अनदर सर, ये लास्ट पॉइंट दोबारा बता सकते हैं सर, ये इनिशियल कंडीशन जब आपने वो बोला नॉट जीरो, यस सर, ये बोला ये इनिशियल कंडीशन वाली टर्म हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के केस में देखी थी, अगर आपने गौर किया हो तो इस केस में क्या सिचुएशन डेवलप हो रही थी, ये देखिए जब आपकी इनिशियल कंडीशन जीरो थी फर्स्ट ऑर्डर में हमने देखा था तो ये रिस्पांस था आपका। अब स्लाइड नजर आ रही है, यस सर। ओके सो दिस वाज द सॉल्यूशन, आपके पास एक कांस्टेंट टर्म थी बी नॉट ए ओवर ए नॉट और एक दूसरी कांस्टेंट टर्म थी जो कि एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ थी बी नॉट ए ओवर ए नॉट एंड दैट वाज योर नेचुरल रिस्पांस। ये मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही हमने कहा कि इनिशियल कंडीशन हमारी नॉन जीरो है तो उस केस में क्या हुआ कि ये जो दूसरी टर्म थी उसके अंदर ये इनिशियल कंडीशन जो है ये इंक्लूड हो गई। सो इस बात का मतलब ये है कि जो आपका नेचुरल रिस्पांस था दिस वाज योर नेचुरल रिस्पांस, सो इस नेचुरल रिस्पांस के जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस इनिशियल कंडीशन, एग्रीड? यस सर, यस, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह का बिहेवियर जो है वो वहां पे भी हो रहा है सिस्टम में भी, कि जैसे ही आपके पास इन अभी देखें तो आप कोई इनिशियल कंडीशन एज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके अगर आप देखें तो यू हैवंट इंक्लूडेड एनी इनिशियल कंडीशंस, आपने स्ट्रेट अवे टी एफ एस लिया हुआ है, टी एफ एस के साथ आर एफ एस को मल्टीप्लाई किया है एंड देयर इज नो टर्म जो कि इनिशियल कंडीशन वाली हो। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको जो भी चीज मिल रही है जो वो आपका नेचुरल रिस्पांस और प्री रिस्पांस की टर्म्स में मिल रही है, लेकिन अगर आप एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस भी हैं तो फिर ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं माइनस वन और वन ओवर टू जो हैं ये चेंज हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड्स चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दीज इनिशियल कंडीशंस, एग्रीड? यस सर, सही है सर। ओके, क्या नाम है आपका? निगियाल अहमद सर। निगियाल अहमद, ओके जी। सो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस क्या है? If the characteristic polynomial roots are real and repeated, real हैं और repeated हैं, the unit step response of the system is termed as critically damped. जी नंगियाल, किस तरह के poles जो हैं या roots जो हैं आप expect कर रहे हैं? Real and repeated का क्या मतलब हुआ? Sir, जो square के form में आ सकते हैं या cube के form में। ठीक है, गुड, वेरी गुड।
सो इस बात का मतलब यह है कि आपके पास जी सर डबल इस डबल पोल और या जिस इस केस में आपका क्या सिचुएशन है, ये क्या चीज है? दिस इज एस प्लस टू स्क्वायर, ऐसा ही है ना? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसी तरह है ना? यस सर। बाकी लोग सो रहे हो, क्या कर रहे हो यार? मुझे तो बताया गया था कि बड़ी रिस्पॉन्सिव है क्लास और रही भी है, और अब सिर्फ एक बंदा है बैठा हुआ बोल रहा है, क्या चक्कर है यार? कम ऑन, यस सर।